विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर माहौल पूरे परवान पर है। इस समय हम अलवर में स्वरूप विलास पर खड़े हैं, जहाँ पर कांग्रेस के जो दावेदार हैं प्रत्याशी, वो यहाँ पर ऑब्जर्वर से मिलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना दावा पेश कर रहे हैं। हमारे साथ में स्वर्गीय मेजर ओपी यादव जो पूर्व विधायक है, उनकी पत्नी है कविता जी, हम उनसे जानना चाहेंगे आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं एक अपनी दावेदारी को लेकर, किस तरीके का आपको लग रहा है आपका दावा, आपका पक्ष कैसे मजबूत है? हमारी कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत मजबूत है। सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो अशोक गहलोत जी, जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने ऐसी दी हैं कि लोग लाभार्थी इतने खुश हैं कि वो ये चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो। नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में बहुत सारे दावेदार हैं, आप अपने आप को औरों से अलग कैसे मानते हैं? एक तो मैं 10 साल से मेजर साहब के जाने के बाद दिन और रात मैंने एक किया है जी, बिल्कुल। और मेरे बच्चे लगे हुए हैं, मेरी पुत्र वधू अंजलि यादव लगी हुई है और मेरा पुत्र भी जो है ऊपर की राजनीति में लगे हुए हैं जी। हम बराबर पूरी फैमिली काम कर रही है, हम ये दावा करते हैं कि हम सीट निकाल कर लाएंगे। तो आप या पुत्र वधू जिसको टिकट मिलेगी, जिसको टिकट मिलेगी हम डट के मेहनत करेंगे एक दूसरे के लिए, हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं जी। अभी तक ये मैसेज जा रहा था कि पुत्र वधू अपनी जगह दावा कर रही हैं और कविता जी अपनी जगह दावा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ही मुझे राजनीति में लेकर आई थी और मैं उनकी इच्छा से आई थी और उनकी इच्छा से ही मैंने मुंडावर में जहाँ पर भी मैं गई हूँ लोगों के बीच और जनता के बीच, मैंने उनकी देख रेख में और उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम किया है जी। आपके क्षेत्र में एक दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं, आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, कितना मजबूत मानते हैं आप? मैं बहुत मजबूत हूँ और मेरी मम्मी भी बहुत मजबूत हैं, और क्योंकि हमारे साथ पहली बात कांग्रेस सरकार है, दूसरी बात मेजर ओपी यादव का नाम है हमारे पास, मेजर ओपी यादव का किया हुआ काम है, और आज भी जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे जो प्यार सम्मान मुझे मिला है मेजर ओपी यादव के नाम से मिला है, और मेजर ओपी यादव ने जितना भी काम किया है आज भी लोग उनको याद करते हैं कि उतना काम आज तक किसी ने नहीं किया। पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ आज आप लोगों को जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। मेजर साहब देखिए, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर मेजर ओपी यादव की पत्नी कविता यादव और उनकी पुत्र वधू अंजलि यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पहुंची हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशियों का आज यहाँ पर जो मोहन प्रकाश हैं, जो AICC में प्रवक्ता भी हैं, वो अलवर पहुंचे हुए हैं, उनके आगे ये सभी दावेदार अपने पूरे दल बल के साथ में पूरा प्रदर्शन करने के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल गांधी, अलवर। कांग्रेस में इस समय प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, स्वरूप विलास में इस समय आज मेला लगा हुआ है, जहां सभी विधानसभाओं से जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ में। यहां जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर भी मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए कहा जाता है वो किशनगढ़ बास या मुंडावर से दावेदारी जो कर रहे हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। छिल्लर साहब, कहाँ से आपकी दावेदारी? सर, मैं मुंडावर से टिकट मांग रहा हूँ। मुंडावर से चर्चा किशनगढ़ भी आती है कभी कभी? वो तो हमारे समर्थक है, वो मन करता है, वो समर्थक है जी, उन्होंने दिया कि अपन वहाँ से ना बायोडाटा दिए किशनगढ़ की जनता ने। तो आपका तो प्रेम इतना है, पूरी 11 विधानसभाओं से मांग आती होगी, आ जाओ साहब यहाँ से। अब आप तो गांधी जी चाहो, हम तो तैयार है, आपकी मर्जी, आप इच्छा होनी चाहिए गांधी जी आपकी, हमें कहाँ पहुँचाते हो, हम तो तैयार है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है आपके मुंडावर विधानसभा की, जिसमें पूर्व मेजर साहब की फैमिली भी है, ललित यादव भी हैं, रोहतास चौधरी भी हैं, ऐसे बहुत सारे दावेदार हैं, तो आप औरों से अलग जो मानते हैं, कैसे मानते हैं, जिला प्रमुख की हैसियत से या अपना भी कुछ पक्ष? ऐसा है जी, मेरा कार्यकाल आप उठा लो, मैं मुंडावर के लिए मुंडावर का रहने वाला हूँ जी, और मुंडावर से मैं 1995 से राजनीति कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं, मेरी वाइफ वहाँ से पार्षद थी, अब मेरी घरवाली वहाँ से पंचायत समिति सदस्य है, ठीक है, मैं यहाँ से 49 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ। अब राजनीति में तो वोटों की राजनीति है कि वोटों से जनता ने मुझे जिताया, तो मैं आशा रखता हूँ कि आगे भी जनता मुझे जिताएगी, यही आशा में मैं तो काम कर रहा हूँ। तो आप अपने पिछले अगर विधायक की हम बात करें, आप कितने संतुष्ट हो पाए उनके कार्यकाल से? विधायक के कार्यकाल तो जनता बता रही, कार्यकाल अच्छा होता तो आज विधायक का कार्यकाल तो आप पता ही है, रोड हम बना रहे, वो जाके पत्थर रात को लगा के आ रहा है कि मैंने रोड बनाया, उसको तो ये लग रहा है कि मैं मेरा नाम कैसे करूं, मैं धरातल का आदमी, किसान का बेटा हूं, आपके सामने 14 महीने मैंने किसान आंदोलन चलाया है, तो मैं जनता पर विश्वास करता हूं, और मुड़ा मेरे काम पर खरा उतरना, मैंने काम किया तो मैं
जनता पे खरा उतरने का काम करूंगा, मैं तो यही आपको कहूंगा। मुख्य रूप से किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरेंगे, ऐसा क्या लगता है आपको जो क्षेत्र में विकास की आवश्यकता नजर आती है? सर, जनता का मैंने काम किया है, आम आदमी का मैंने काम किया, गरीब का, ढाणी में रोड से लेकर विकास के काम में, जब प्रमुख नहीं था तो मैं मेरी जेब से मैंने काम किए। विकास के बारे में तो आपसे कोई चीज छुप के है नहीं, मैं विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ूंगा। देखिए, मुंडावर से एक लंबी फेरिस हमें देखने को मिल रही है, जहां जिला प्रमुख से लेकर ललित यादव और मेजर ओपी यादव, इनके परिवार के लोग भी राजनीति में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी के लिए उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, आकाश चौधरी हैं जो छात्र राजनीति से जुड़े हैं, मुंडावर से उन्होंने दावेदारी की है। पहले आपका परिचय एक बार फिर हम सुनना चाहेंगे और किस तरीके से आपने दावेदारी पेश की। सर, मैं जाट बहरोड गाँव का रहने वाला हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में 2018 में महासचिव रहा हूँ और राजस्थान का पहला और अकेला छात्र हूँ जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जीता है। आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक तो सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के छात्र पढ़ने ही कम जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उसके बाद जाते भी हैं तो वो अपनी दावेदारी रखते हैं तो मजबूत पक्ष वो दोनों पार्टियों में अपना नहीं रख पाते। तो सबसे प्रथम कार्य तो हमने यही करा था, मजबूत पक्ष राजधानी में और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव अकेला जीतते हुए 2018 में कांग्रेस पार्टी की NSUI की अकेली सीट में निकाल के लाया था 7,000 से अधिक मतों से, और आज मुंडावर में अपनी तहसील में गृह क्षेत्र में मैं दावेदारी कर रहा हूँ और मजबूती से युवा जोश को और युवा शक्ति को, युवा सोच को आगे बढ़ाने का, हर स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बुजुर्गों के साथ साथ हम युवा शक्ति को भी जागरूक करें, महिलाओं को, माता बहनों को जागरूक करें, उन्हें अपने हक दिलाने की बात रखें और मजबूती से हर चीज़ में आने वाली पीढ़ी को बढ़ चढ़ कर अपना योगदान निभाने के लिए प्रेरित करें। तो इसी मार्ग पर मैं आगे चल रहा हूँ और जन जन से संवाद कर रहा हूँ, जन जन के पास, बच्चे बच्चे के पास, बुजुर्ग बुजुर्ग के पास पहुँच रहा हूँ। और जो बागड़ बिल्ले की लड़ाई हमारे मुंडावर क्षेत्र में पूर्व में 25-30 सालों से दोनों पार्टियों में चलती आ रही है, उस बागड़ बिल्ले की, रंगा बिल्ला की लड़ाई को खत्म करते हुए नई सोच को, नई दिशा को, एक मुंडावर को नई दिशा देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये प्रयास कर रहा हूँ कि हर स्तर पर युवाओं को आगे अपने साथ लेकर चलूँ। ये अच्छी बात है कि पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे तो नई दिशा मिलेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, मुंडावर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आपको लगता है महत्वपूर्ण है, जिन पर काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? देखिए, आप हरियाणा से, दिल्ली से, कहीं से भी आते हैं, राजस्थान में एंटर करते हैं तो सबसे पहली तहसील, सबसे पहला जो क्षेत्र पड़ता है मुंडावर पड़ता है, सबसे पहली विधानसभा मुंडावर पड़ती है। लेकिन जब हम हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ भी बदलाव नहीं है। वही आपको गाँव में जाते हैं, जब स्कूलों में हाल देख लीजिए आप, शिक्षा केंद्रों में, स्वास्थ्य केंद्रों में हाल देख लीजिए, हमारी तहसील के ही स्वास्थ्य केंद्र की आप अगर बात उठाएं तो मुंडावर के स्वास्थ्य केंद्र में आप जाके देखें तो रंग पेंट हुए भी वहाँ 15 साल आज हो गए, तो वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं, हेल्थ की होगी, शिक्षा की होगी, और जो बेसिक रोड लाइट ये भी हैं, ये भी उपलब्ध पिछले विधायकों ने, पिछले पार्टियों ने, जो सत्ताईस लोग रहे हैं वो नहीं करवा पाए, इस चीज़ में विफल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में शिक्षा का, हमारा क्षेत्र शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। किसी भी स्कूल, लगातार सरकारी स्कूलों पर ताले लगते जा रहे हैं, शिक्षा में पीछे जाता जा रहा है, जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्टाफ के लोग हैं, वो 7 बजे का टाइम है तो 9-9 बजे, ये चीज़ मैंने गहराई से देखी, खुद जाकर देखी, वहाँ पर मैं उपस्थित रहा, तो इन सभी चीज़ों को बदल कर सबसे प्रथम जो चीज़ है वो शिक्षा है। शिक्षा में जब हम जागरूक करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को और अपने आने वाली पीढ़ी को, तो ऑटोमेटिकली हमारे गाँव का, क्षेत्र का, राज्य का और देश का विकास होता चला जाएगा और वो आगे तरक्की के, उन्नति के, प्रगति के मार्ग पर बढ़ता चला जाएगा। आकाश भाई, मौजूदा समय में भाजपा के विधायक हैं आपके क्षेत्र के, लेकिन सरकार तो आपकी है, विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, जिस तरीके से मौजूदा विधायक रहे, आज जिस भी गांव में, जिस भी ढाणी में वो जाते हैं तो वहाँ एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि मुझे फंड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो मैंने, आप सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जनता जनार्दन यहाँ पे आज आई थी, सभी लोग इस चीज़ से ज्ञाता हैं कि किस तरीके से उनका विधायक निधि, जो विधायक निधि का पैसा था वो लैप्स हुआ, जो वेस्ट हो गया, जो उन्होंने वो क्षेत्र में लगा नहीं पाए, पूर्व पिछले साल 3.5 करोड़, उससे पिछले साल भी कई करोड़ रुपए वापस चला गया होगा या लैप्स हो गया हो, जो भी कारण रहे वो क्यों पैसा नहीं लगा पाए, उसके बाद हमारे क्षेत्र की जनता क्या है, सबसे भोली जनता हमारे क्षेत्र की है और शरीफ जनता है, उनको जैसे आप बहकाओगे वैसे बहक लेंगे। लेकिन अब की बार मुंडावर का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा, युवा और बुजुर्ग
वो समझदार हो गया और सचेत हो गया है। हम उनको जागरूक कर रहे हैं हर चीज में। हम ये मांग रख रहे हैं कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो MPS हो, ZPS हो, चाहे पंचायत समिति का मेंबर हो, चाहे हमारे सरपंच साहब हो, हर चीज में, हर फंड में हम पारदर्शिता लेके आए और हम जनता के साथ बैठ के, हम जनता के बीच में बैठ के, जो हमारे विधायक कोष का या पंचायत का, ZPS का, MPS का जो भी पैसा आता है उसका फैसला जनता ले, ना कि प्रतिनिधि ले। तो ये हमारी मांग है और यही हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। आकाश चौधरी जिस तरीके से दावा करते हैं कि क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाए, जो मौजूदा विधायक हैं वो अपने निधि कोष का पैसा भी ढंग से खर्च नहीं कर पाए, जिसके चलते क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। आज जो माहौल था यहाँ स्वरूप विलास में टिकट को लेकर के जो दावेदारी पेश की जा रही थी, मुंडावर से जो आकाश चौधरी है उन्होंने अपना दावा रखा है। अब देखने की बात होगी आगामी दिनों में आखिर पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल गांधी, अलवर। देखिए टिकट के दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। बहरोड से आप दावेदारी कर रहे हैं, फिलहाल आप कांग्रेस में प्रदेश सचिव के पद पर भी हैं, तो ऐसे में हम यह जानना चाहते हैं कि लंबी फहरिस्त में आप अपने आप को औरों से कैसे अलग प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हमारी पार्टी ने जो बनाया है, हमने ब्लॉक अध्यक्ष को हमारा बायोडाटा दे दिया, अगर कुछ लोग छूट गए तो उनके भी यहाँ बायोडाटा ले रहे, प्रेक्षक आए हुए हैं यहाँ जी, और हमारा तो टिकट मांगने का सबका अधिकार, सब लोग टिकट मांग रहे, टिकट एक को मिलेगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम सब लोग एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हुए, बहरोड से विजयी बनाएंगे एक बार, बहरोड से कांग्रेस का MLA बनेगा। कांग्रेस में मुख्य मुद्दे क्या हैं बहरोड में? देखो वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार इतने काम किए, पर हमारी सबसे बड़ी समस्या एक तो रोजगार की, हमारे स्थानीय इतनी इंडस्ट्रीज है उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इन मुद्दों को लेकर आगे काम करेंगे। भ्रष्टाचार भी हमारे विधायक ने कर रखा है, उस पर भी काम करें। क्या आपको लगता है मुख्य मुद्दे विधायक के खिलाफ आप क्या उठाने वाले हैं ऐसा मौका? विधायक के खिलाफ तभी मैंने क्रिकेट बैठ के एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, और आगे जितना भी उसने भ्रष्टाचार का किया है उन सब मुद्दों को उठाएंगे जी। अभी मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की स्थिति कैसी लगती है बहरोड में? 100% कांग्रेस का विधायक बनेगा। टिकट की दावेदारी में लंबी फहरिस्त है? हाँ लंबी, मांगने का सबका अधिकार है, बागी भी बहुत हो जाते हैं। नहीं नहीं, सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे जी, एकजुटता के साथ सबने मिलकर के, कुल मिला के विधायक को हराना है, यही कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे ना।